तो बच्चे जो क्योंकि ये बच्चे भी कैसा आपको जो लग रहा है इस वक्त मुझे बर्फ में बहुत खेलते अच्छा हुए? लग रहा है, और हम इधर पढ़ने भी आए थे और हम इधर अभी स्नो फाइट भी खेल रहे हैं। तो ठंड नहीं लग रही है? ठंड भी लग रही है पर थोड़ी सी लग रही है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। आखिरकार जो लंबा 2 महीने का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। बच्चे जो इस वक्त आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शाम से जो लगातार बर्फबारी हो रही है और बच्चे किस तरह से यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं। किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी जो खबर इस वक्त है। किसानों को भी अपनी फसल को लेकर काफी जो इंतजार था, लेकिन अब जो किसान भी जो कहीं ना कहीं जो खुश नजर आ रहे हैं, ये बच्चे भी तो बच्चे जो बच्चों से बात करेंगे। बच्चे, क्या नाम है आपका और कितना मजा जो आपको यहाँ पर इस वक्त खेलने में आ रहा है? मेरा नाम स्मित मन्हास है। तो जो आज की बहुत देर के बाद बर्फ़ पड़ी है, नवंबर दिसंबर जनवरी में पहले बर्फ़ पड़ती थी, पर आज फरवरी फर्स्ट को बर्फ़ पड़ी है। तो बर्फ़ में बहुत मज़ा आता है खेलने में, कूदने में, और बर्फ़ पड़ने से जो कि आगे की फसल है जो गर्मियों की वो भी अच्छी निकलती है, और बर्फ़ ना पड़े तो जो पानी है वो भी सूख जाता है। तो और हमें खेलने में कूदने में बहुत मज़ा आता है, और जो कि पढ़ाई के साथ साथ आज हम खेल भी रहे हैं, तो शुक्रिया बस यही। तो सुबह से हम देख रहे हैं आप खेलने के लिए यहाँ पर आए हो, तो क्या घर वालों ने आपको पूछा नहीं है? वो भी बुला रहे होंगे, इतनी ज़्यादा ठंड है, बीमार हो जाओगे। तो हम आधा मतलब आधा एक घंटा खेल रहे थे। पहले हम ट्यूशन के उधर पढ़ा, फिर उसके बाद अभी आधा एक घंटा खेल रहे थे। चलो एक और बच्चा भी बात करने के लिए। बच्चा, अपना नाम बताइए और क्या आपका कहना, कितना मज़ा जो इस बर्फ़ में आपको खेलने में आ रहा है? मेरा नाम आयुष भगत है, और बहुत मज़ा आ रहा है बर्फ़ में खेलने में, क्योंकि गर्मियों के लिए पानी भी बर्फ़ से आता है, तो ये हमारे पेड़ है उसको स्टोर करके रखते हैं पानी को, तो फिर अगर बर्फ़ न लगे तो फिर पानी नहीं, पानी की कमी बहुत होगी। क्या क्या जो गेमें अभी तक आपने जो खेली, हम यहाँ पर देख रहे थे आप खो खो खेल रहे थे या कबड्डी खेल रहे थे? हम स्नो फाइट खेल रहे थे, स्नो स्लाइडिंग खेल रहे थे, और फिर कबड्डी भी खेली थी हमने, फिर खो खो। बर्फ़ में खेलने में बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है। कितने टोटल आप बच्चे यहाँ पर जो खेल रहे हो? हम देख रहे हैं कि 15-20 बच्चे हो। हाँ, 15-20 बच्चे हम, और 1 घंटे से लगातार लगातार खेल रहे, और अभी जाने भी है। चलो छोटी बच्ची भी, बच्ची कैसा आपको जो लग रहा है इस वक्त मुझे बर्फ में बहुत खेलते अच्छा हुए? लग रहा है, और हम इधर पढ़ने भी आए थे, और हम इधर अभी स्नो फाइट भी खेल रहे हैं। तो ठंड नहीं लग रही है? तो ठंड भी लग रही है पर थोड़ी सी लग रही है। घर वाले आपके बुला नहीं रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है? आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो अंदर आग जलाकर बैठे हैं, आप बाहर जो खेल रहे हो, इतनी ज्यादा ठंड है। आधा 1 घंटे खेलना ही चाहिए। चलो, खेलते हुए ठंड नहीं लगती, मजा आता है, हाँ मजा आता है। जी, तो चलो ये बच्चे थे, अब इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि किसान भी कल से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बर्फ़ नहीं थी, लोग जो बर्फ़ देखने के लिए दूर दूर जाते थे, गुलडंडा जाते थे, बर्फ़ देखते थे। इससे पहले जो इस प्रकार का मंजर जो देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बर्फ़बारी होती थी सर्दियों में, बारिश भी होती थी, लेकिन इस बार 2 महीने बीत गए, ना बारिश थी ना बर्फ़बारी थी। कहीं ना कहीं जो वो लंबा इंतज़ार अब जो ख़त्म हो चुका है, क्या आपका कहना है? कहीं ना कहीं राहत जो किसानों के लिए इस बर्फ़बारी से जो लग रही है? यार इस बर्फबारी से किसान तो काफ़ी खुश हैं, लेकिन इस बर्फ़ से कुछ नहीं पड़े होगा फर्क पड़ेगा। जैसे कि आगे और बर्फ़ अगर होगी तो कुछ न कुछ समझो वापस मिलेगा। जैसे हमने सरसों, इस हमारी जो आज की फसल है, ये हमारे इधर भद्रवाह की चिनाब वैली की बात करते हैं, जैसे सरसों है, प्याज है, लहसुन है,
उसके बाद घास लगाते हैं गायों के लिए, गेहूं लगाते हैं, वो तो आप समझो ख़त्म हो गए थे। मटर बर्फ़ नहीं पड़ी तो, क्योंकि बर्फ़ पहले नवंबर दिसंबर में पड़ती थी, इस साल जनवरी में नहीं फरवरी मतलब फर्स्ट में पड़ गई। वो भी बड़ी मानते मांग कर जो मस्जिद हमारे मस्जिदों में भाइयों ने उधर दुआएं की, गुरुद्वारों में लंगर लगाए, मंदिरों में लंगर लगाए, लोगों ने जगह जगह पर भगवान से प्रार्थना की, तब जाकर ये कुछ असर पड़ गया है। इससे कितना जो फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आज तक तो पूरा सूखा पड़ा था, ना बारिश थी ना बर्फबारी थी, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो इससे फ़र्क पड़ेगा। जो पानी है, पानी भी सूख रहे थे, उनके लिए भी काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है। आगे जो मार्च में फसलों का जो सीज़न आएगा, तो क्या आपका कहना है इससे? तो मैं तो वही बोला मैंने कि इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक समझो जैसे मैंने वही बोला ना कि तड़का है एक किस्म का, जैसे दाल के लिए तड़का लगाते वो ही है। क्योंकि आज 2-3 महीने से बिल्कुल ये मिट्टी ये रेत बन गई थी फसल, ये अब कहाँ ख़त्म हो गए थे जो हमारे गेहूँ सरसों, तो अब तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब कुछ उम्मीद है। लेकिन आगे भी बर्फ पड़ेगी तो इसी तरीके से, क्योंकि पहले पहले लोग, आज तो ये देखो बच्चे कितने मज़े, आज किसान तो खुश हैं, बच्चे भी इतने खुश हैं, क्योंकि पहले गुलडंडा जाते थे, जहाँ बर्फ़ पड़ी तो लोग उधर गाड़ियाँ लेकर बुक करके चले जाते थे, बर्फ़ इतनी देखने के लिए लोग तरस रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसान जो खुश तो हैं, लेकिन पूरे महीने में जो बर्फ़बारी होनी चाहिए या बारिश होनी चाहिए, ये इनका कहना है, क्योंकि काफ़ी समय से ना बारिश हुई है ना बर्फ़बारी हुई है। तो ये जो आज की बर्फ़बारी है, इससे थोड़ा ज़रूर फ़र्क पड़ा है, लेकिन आगे भी अगर बर्फ़ नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो काफ़ी दिक्कत जो किसानों को मार्च के बाद जो फसलें जो किसान उगाते हैं, चाहे वो मक्की की फसल हो या कोई दूसरी फसलें हो, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये भी प्रार्थना जो कर रहे हैं कि अगला जो टाइम आने वाला है, यानी पूरे फरवरी में अगर टाइम टाइम की बारिशें होंगी, टाइम टाइम की जो बर्फबारी होगी, तो फसलें भी हमारी ठीक रहेंगी और पानी के जितने भी जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो भी बढ़ जाएंगे। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।